करेंगे। और अब जो खबर है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। केजरीवाल की रिहाई के लिए जो राहत की खबर थी वो फिलहाल रुक गई है, यानी कि फिलहाल वो राहत टल गई है और जमानत पर स्टे कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया है और फैसला अभी के लिए सुरक्षित है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जमानत हो जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट फिर पहुंच गई ईडी की टीम और हाईकोर्ट ने कहा जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जमानत पर स्टे रहेगा। अब ऐसे में अलग अलग तरीके से इस पर सियासत भी हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अभी जो रिहाई थी वो टल गई है, राहत टल गई है, जमानत पर स्टे को लेकर कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। बेल के खिलाफ ईडी की पिटीशन पर भी कई सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिनकी रिहाई की खबर सुनने के बाद परिवार वालों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई। सुनीता केजरीवाल तो रिसीव करने पहुंचने वाली थी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी शाम से ही आतिशबाजी करनी शुरू कर चुकी थी, लेकिन एंड मोमेंट पर ईडी ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया, राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज दिया और फिर हाईकोर्ट ने कहा जब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जमानत पर रोक रहेगी और अभी के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये जो स्टे हुआ है ये स्टे कब तक रहेगा जारी, ये सवाल बड़ा है। जमानत पर स्टे को लेकर कोर्ट का फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। बेल के खिलाफ ईडी की पिटीशन पर भी नोटिस जारी हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल जो कि अलग अलग ग्राउंड पर जमानत चाहते थे लेकिन कोर्ट की तरफ से इनकार हो गया था, पहले मेडिकल ग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और अभी जब दलीलें दोनों तरफ से चली राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दे दी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से चीजें अटक गई हैं, फंस गई हैं। दिल्ली से आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है जो कि जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। आरजू, आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, सुनीता केजरीवाल और परिवार वाले पलके बिछाकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राहत को फिलहाल कोर्ट ने रोक दिया है। ये रोक कब तक जारी रहेगी, संभावना क्या है? बिल्कुल रचना, देखिए जमानत की रोक के साथ ही जश्न पर भी रोक जो है वो लग गई है क्योंकि हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आपको बता दें कि 20 जून को जिस तरीके से रात 8 बजे ये फैसला आता है, बेल पर फैसला आता है और उनको अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसके विरोध में ईडी जो है वो हाईकोर्ट का रोक करती है और रुख करने के बाद जेल में ही रहना होगा क्योंकि 2 से 3 दिन बाद ही इस बेल यात्रा पर जो सुनवाई है वो होगी और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है और फैसला जो है वो आएगा। लेकिन आपको वही बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी जिसके अरविंद केजरीवाल के वकील है उन्होंने भी इस तरीके से कहा कि दलीलों को देखते हुए जमानत यात्रा का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पीड़ित है, राजनीतिक आपने ईडी का जिक्र किया, आपने ईडी का जिक्र किया, अब ईडी की तरफ से जब राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में रुक किया गया, तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई हैं, ईडी के वकील इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर, केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है, मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है, हियरिंग नोटिस इशू हो गया है, नोटिस इशू हाँ हो गया। तो सर एसवी राजू कह रहे हैं मंडे तक लिखित में जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने होंगे, अपना सबमिशन देना होगा और उसके बाद यानी कि मंडे को हो सकता है हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला सामने आए इस पर या फिर आगे जो सुनवाई है उसका रुख साफ हो पाए। आरजू मेरे साथ में जुड़ी हुई है। आरजू, ईडी के वकील कह रहे हैं कि मंडे तक का टाइम है, यानी कि मंडे तक का टाइम जब हाईकोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखनी होंगी, यानी कि अब सोमवार पर निगाहें सभी की राहत मिल जाएगी या फिर ये आफत बरकरार रहेगी? आप बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत उनको चुनाव के बीच में मिली थी जब उनको 21 दिन की इंटरिम बेल जो मिली थी, लेकिन फिर से उनको 2 जून को वापस जाना था क्योंकि इंटरिम बेल का समय जो है वो खत्म हो गया था एक बार, लेकिन फिर 20 जून को इस तरीके की राहत जो है वो मिली थी जब उनको कहीं ना कहीं बेल जो है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन उसको चुनौती देते हुए ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया। फिलहाल आपको बता दें कि इसका फैसला सुरक्षित रखा गया और 24-25 फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, निगाहें टिकी हुई है कोर्ट पर, आगे जो रुख होगा
आरजू आपके जरिए जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस खबर को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों तक।